हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि स्वागत करता हूं आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी, जिसमें हम पहली यूनिट जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन था समाप्त कर चुके हैं। अब हम इसके आगे वाली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी दूसरी और तीसरी यूनिट जो है इसमें ये प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित है। प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी से संबंधित है। तो सर्वप्रथम इस यूनिट को शुरू करने से पहले अपने जान लेते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, पादप कार्यकी आखिर है क्या। पादप कार्यकी, तो जाहिर सी बात है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो पादप कार्यकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादप के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण आदि विभिन्न क्रियाओं का जो अध्ययन है वो किया जाए, तो जीव विज्ञान की उस शाखा को हम क्या बोलेंगे, पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत से चैप्टर आएंगे अपने, तो लगभग 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं जिनका अध्ययन हम 12th क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है जल संबंध। जल संबंध, तो जितने भी प्लांट कि रिएक्शन है पादप के शरीर में, जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं सभी जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं। जितने भी एंजाइम, हार्मोन इत्यादि जो कार्य करते हैं जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, वो सब जलीय माध्यम में कार्य करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने को पादप में जल और जल के संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक है। तो सबसे पहले यदि अपने जल को जाने तो आप सभी को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है कि जल एक यौगिक है जिसका सूत्र क्या है, H2O। जल एक यौगिक है जिसका सूत्र क्या है, H2O। अभी यदि अपने देखें इसमें ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिन गुणों के कारण जल अपने आप में एक अद्वितीय यौगिक हो जाता है। आखिर इसमें ऐसे कौन कौन से गुण हैं कि सारी की सारी जैविक क्रियाएं इसी में संपन्न होती हैं, इसका अध्ययन करना आवश्यक इतना क्यों हो गया। तो उसके कुछ गुण हैं जल के, तो जल के गुण धर्म को यदि हम देखें तो सबसे पहला गुण धर्म है कि यह सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक, जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब है संसार के अधिकांश विलेय पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। दूसरा यदि हम देखें इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध जो हैं, वो इसको एक बहुत बढ़िया यौगिक बना देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन बंध जो है वो दुर्बल बंध है, इसलिए आसानी से ये टूट जाते हैं और आसानी से जुड़ जाते हैं। तीसरा इसका जो गुण है जो कि इसे अद्वितीय बनाता है वो है इसकी सहसंजन व आसंजन क्षमता। जल की सहसंजन और आसंजन क्षमता भी अपने आप में इसको बड़ा विशिष्ट बना देती है। क्यों, क्या होती है ये सहसंजन और आसंजन क्षमता। सहसंजन का मतलब है किसी पदार्थ का या किसी अणु का समान अणुओं से जुड़ना। उदाहरण के तौर पर जल का जल के साथ ही संबंध बनाना सहसंजन बंध कहलाता है। बंध दो टाइप के हो जाएंगे, सहसंजन और आसंजन। यदि समान अणुओं के बीच में बंध बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहसंजन। और इसके विपरीत आसंजन, असमान अणुओं के मध्य बनने वाला बंध आसंजन बंध कहलाता है। समान के मध्य सहसंजन और असमान के मध्य बनने वाला बंध
आसंजन बंध कहलाता है। इसके बाद यदि अपने नंबर चार पर इसका गुण देखें तो जल की ध्रुवीय प्रकृति, जल की ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय और अध्रुवीयता की पहचान आप कैसे करोगे? यदि कोई यौगिक प्लस और माइनस यानी धनायन और ऋणायन में विखंडित हो जाए वो निश्चित तौर पर क्या होगा? ध्रुवीय। जैसे जल है तो जल एच प्लस और ओ एच माइनस यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है तो ये कैसा है? ध्रुवीय है। इसी प्रकार आप देख लो ग्लूकोज सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स, क्या वो प्लस और माइनस में टूट सकती है? नहीं, तो वो क्या है? अध्रुवीय पदार्थ है या यौगिक है। तो जल कैसे, जल कैसी प्रकृति रखता है? ध्रुवीय। और संसार में पाए जाने वाले पदार्थ ज्यादातर कैसे हैं? ध्रुवीय हैं। इसलिए ये ध्रुवीय है तो ध्रुवीय पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। आप केमिस्ट्री के अंदर घुलनशीलता का नियम पढ़ते होंगे, वहां पर आपने एक बात पढ़ी होगी कि समान समान को घोलता है, तो ये ध्रुवीय है तो इसमें कैसे यौगिक ज्यादातर घुलेंगे? ध्रुवीय यौगिक या विलेय इसमें आसानी से घुलेंगे। इसके अलावा नंबर पांच पर यदि इसका गुण देखा जाए तो चार डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम घनत्व होता है। जल का घनत्व जो होता है वो चार डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका और यदि गुण देखा जाए तो कम प्रास में ही तीनों भौतिक अवस्थाएं हैं। किसी पदार्थ के सामान्यतः तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, हालांकि आजकल तो पांच पांच भौतिक अवस्थाओं की चर्चा की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से तीन भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो एक कम प्रास में ही थोड़े से टेम्परेचर के भीतर ही जल आपको ठोस रूप में भी मिल जाएगा, द्रव रूप में भी मिल जाएगा और गैसीय रूप में भी मिल जाएगा। तो कम प्रास में इसकी तीनों अवस्थाओं में जल, बहुत कम यौगिक ऐसे हैं जो तीन तीन भौतिक अवस्थाओं के रूप में पाए जाते हैं, परंतु उनमें से हमारे लिए जो जल पड़ रहे हैं वो एक ऐसा यौगिक है जो बहुत कम सीमा के अंदर ही तीनों अवस्थाओं के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ गुण हैं जल के जिनके कारण जल एक अद्वितीय यौगिक बन जाता है। हम जल को यहां पर इसलिए देख रहे थे क्योंकि पादप में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो अधिकांशतः जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। जो एंजाइम है, जो हार्मोन है, वो जलीय माध्यम में ही अपनी क्रियाशीलता दर्शाते हैं। एक गुण और याद आ गया मेरे, ये उदासीन प्रकृति का होता है। सामान्यतः जल की पीएच कितनी होती है? 7। सामान्यतः जल की पीएच कितनी होती है? 7। अर्थात ये सामान्य तौर पर उदासीन प्रकृति में होगा, यानी आप शुद्ध जल को यदि लेते हो, अशुद्ध जल यदि आप लेते हो तो वो आपको कितनी पीएच में मिलेगा? 7 पीएच में। ठीक है, तो ये कुछ गुण थे, सार्वत्रिक विलायकता, इसकी हाइड्रोजन बंध, सहसंजन और आसंजन क्षमता, इसकी ध्रुवीय प्रकृति, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका उच्चतम घनत्व है, कम प्रास में ठोस द्रव गैस के रूप में इसका पाया जाना और सामान्य तौर पर ही इसका उदासीन के रूप में उपस्थित होना, उदासीन योगी के रूप में उपस्थित होना, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि इसको अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ योगिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और पादप की एक क्रिया देखते हैं। ठीक है, पादप की इस क्रिया में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं विसरण। पहली अपनी क्रिया जो है जिसको हम देखेंगे वो है विसरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफ्यूजन। सॉरी, अंग्रेजी में कंफर्म नहीं है, डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, विसरण क्या चीज होती है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? किसी भी पदार्थ का
अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। अब यदि हम देखें विसरण के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, क्या किसी एग्जाम्पल के द्वारा अपने विसरण की क्रिया को समझा सकते हैं? तो बिल्कुल, सबसे पहले यदि अपने एग्जाम्पल देखें, एक पात्र ले लेते हैं अपने, ठीक है, पात्र में जल भरकर इसमें कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं अपने CuSO4 के। आप सोच रहे हैं बार बार मैं ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूं, तो एक मक्खी है जो बड़ा परेशान कर रही है, मैं सोचता हूं कहीं वो कैमरे पर आ गई तो सारा वीडियो सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए बार बार ऐसे कर रहा हूं। तो चलिए विसरण का एग्जाम्पल अपने देखते हैं। तो ये जल से भरा एक पात्र है जिसमें अपने कुछ क्रिस्टल CuSO4 के डाल देते हैं। कुछ क्रिस्टल अपने किसके डाल दिए? CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम बता दीजिए आप, पता है आपको CuSO4 का सामान्य नाम? नीला थोथा। सामान्य तौर पर बाजार की भाषा में व्यापारिक नाम इसका क्या है? नीला थोथा यानी CuSO4। तो यदि इस नीले थोथे को, तो जाहिर सी बात है इसके क्रिस्टल किस रंग के होंगे? नीले रंग के होंगे। और यदि इन क्रिस्टलों को अपने इस जल से भरे पात्र में डाल दें, तो मान लो ये एक क्रिस्टल डाल दिया, अब क्या होगा? इस क्रिस्टल के छोटे से छोटे अणु, क्योंकि यहां पर इस पदार्थ की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। अब ये क्या करेगा? इसमें घुलने का प्रयास करेगा। तो घुलने के लिए क्या होगा? जो बड़ा क्रिस्टल है वो छोटे से छोटे अणुओं में टूटता चला जाएगा, और ये तब तक टूटता रहेगा तब तक ये ज्यादा से ज्यादा फैलता रहेगा जब तक कि पूरे पात्र में इसकी सांद्रता समान न हो जाए। तो विसरण की क्रिया कब तक होती रहेगी? जब तक पूरे पात्र में यह समान रूप से न फैल जाए। तो विसरण यहां पर आपने कैसे देखा? यह एक कण था CuSO4 का, एक क्रिस्टल था, यहां पर इसकी सांद्रता ज्यादा थी। अब क्या होगा? यह अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर माध्यम में गमन करने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा? इसकी सांद्रता निम्न है तो इसके कण टूट टूट कर इधर उधर जाने का प्रयास करेंगे और पूरे पात्र के जल में फैल जाएंगे। यानी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, CuSO4 को जब हम किसी जल से भरे बीकर में डालते हैं तो इसके कण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए पूरे पात्र में फैल जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब धूप बत्ती करते हो, किसी कोने में एक अगरबत्ती जला दी आपने, वो अगरबत्ती या आप सेंट की शीशी किसी एक कोने में थोड़ी सी खोल देते हो, क्या देखते हो? कुछ ही समय में उसकी सुगंध जो है या उस गैस के कण जो है या अगरबत्ती के धुएं के कण जो है वो पूरे कमरे में धीरे 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 फैल जाएंगे, और तब तक फैलते रहेंगे जब तक कि पूरे कमरे में या जो भी उसे सरफेस मिल रहा है, जो भी एरिया उसको मिल रहा है, उसमें वो समान रूप से न फैल जाए, तब तक वो फैलते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप विसरण के दे सकते हो। दोबारा सुन लो, विसरण की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है, जिसमें दो एग्जाम्पल, एक तो नीला थोथा बीकर में डालो, धीरे 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 पूरा विलयन कैसा हो जाएगा? नीले रंग का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट के कण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित हुए हैं, इनका डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से कमरे के एक कोने में यदि अपने सेंट खोल देते हैं तो वो पूरी जो गैस है वो धीरे 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 पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो यह क्या विसरण। अब अपने देखते हैं विसरण की क्रिया कब तक होती है? जब तक कि सांद्रता पूरे माध्यम में समान न हो जाए तब तक विसरण की क्रिया होती रहती है। अब विसरण के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात, विसरण की क्रिया जो होती है वो स्वतंत्र होती है। विसरण की क्रिया क्या होती है? स्वतंत्र। इसका क्या तात्पर्य है? यदि एक माध्यम में दो या दो से अधिक पदार्थ विसरित हो रहे हैं तो उनके विसरण की दर जो है
वो एक दूसरे से स्वतंत्र होगी, उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कमरे में सेंट की शीशी खोल दो और दूसरी तरफ अगरबत्ती खोल दो, सेंट की गंध जो है उस सेंट यानी सेंट की गैस जो है उसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है उसके विसरण में और अगरबत्ती के धुएं के विसरण में कोई संबंध एक दूसरे के अंदर नहीं होगा, वो अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र विसरण करेंगे, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसी प्रकार से एक अच्छा एग्जाम्पल यदि और देखा जाए तो जब पादपों में श्वसन के दौरान स्टोमेटा खुलते हैं तो गैसों का आदान प्रदान होता है, O2 या CO2 ली जाती है या छोड़ी जाती है, तो जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो रहा है, यानी CO2 को छोड़ने और O2 को लेने एक दूसरे में जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें कोई संबंध नहीं होता, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा विसरण की दर जो है वो स्वतंत्र होती है, अर्थात एक माध्यम में यदि दो या दो से अधिक पदार्थ विसरित हो रहे हैं तो वो बिना एक दूसरे को प्रभावित किए विसरित होते हैं। ठीक है, अब विसरण को प्रभावित करने वाले यदि कारक देखें, विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारकों की यदि बात की जाए तो सबसे पहला कारक होगा तापमान, टेम्परेचर। आप लोग इतनी बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर या किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की क्रिया भी तेजी गति से होगी, यानी विसरण समानुपाती तापमान, जैसे जैसे पदार्थ का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थों के विसरण की दर भी बढ़ेगी। दूसरा अपने देखते हैं पदार्थ का घनत्व है, दूसरा कारक जो है वह है पदार्थ का घनत्व है। यदि किसी पदार्थ का घनत्व ज्यादा होता है तो विसरण की दर घट जाती है, पदार्थ का घनत्व यदि ज्यादा होगा तो विसरण की दर घट जाएगी और उसके विसरण की दर जो घटेगी यानी संबंध यदि बनाने फिजिकल संबंध यदि स्थापित करें तो विसरण व्युत्क्रमानुपाती डेंसिटी, डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी पदार्थ का जो घनत्व है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है उस पदार्थ के विसरण की दर। तो घनत्व जितना ज्यादा होगा विसरण उतना ही कम होता चला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा कारक जो है वो है विसरण दाब प्रवणता, विसरण दाब मान लो, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डीपी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी का मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, हिंदी में बोलें तो विसरण दाब। ये क्या होता है, इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो विसरण की दर उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होती है, उच्च डीपी से निम्न डीपी की ओर, विसरण जो है उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होता है। अब ये विसरण दाब होता क्या है, कोई किसी पदार्थ के विसरित होते समय उस पदार्थ के कण माध्यम पर जितना दाब डालते हैं उसे विसरण दाब कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, किसी पदार्थ के विसरित होते समय उस पदार्थ के कण माध्यम पर जितना दाब डालते हैं उसे क्या कहते हैं, अपने विसरण दाब कहते हैं। ठीक है, और विसरण की क्रिया कहां से कहां होगी, उच्च विसरण से, उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर। चौथा कारक जो इसे प्रभावित करता है वो क्या होगा, पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रता। ये तो आप परिभाषा में देख चुके हैं कि विसरण की क्रिया
पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण की क्रिया पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, तो ये कुछ कारक है जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से, तापमान, पदार्थ का घनत्व, विसरण दाब और पदार्थ की सांद्रता। ये चार कारक हैं जो कि विसरण की क्रिया को प्रभावित करेंगे। अब पादपों में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होती हैं? तो पहली क्रिया है, पादपों के संदर्भ में यदि देखें, पादप में यदि देखें अपने, तो पादप में स्टोमेटा व वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान जो है, स्टोमेटा और वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान जो है वो किस क्रिया के द्वारा होगा? विसरण की क्रिया के माध्यम से संपन्न होगा। दूसरा यदि देखें तो खनिज पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण, पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण, जड़ों द्वारा खनिज पदार्थों का निष्क्रिय अवशोषण भी विसरण की क्रिया के माध्यम से संपन्न होता है। तो यह कंप्लीट हुआ अपने विसरण। ठीक है, अब विसरण के पश्चात अपने अगला टॉपिक जो है वो देखने जा रहे हैं, प्रासरण। विसरण के बाद पादपों में होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण घटना कौन सी होगी? प्रासरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। स्पेलिंग में टूटी फूटी लिख देता हूं जैसी मेरे को आती है, ऑस्मोसिस। विसरण को अपने कहा था डिफ्यूजन और प्रासरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो प्रासरण की परिभाषा सबसे पहले देखी जाए तो प्रासरण की परिभाषा क्या होगी? किसी विलायक का, अब विसरण और प्रासरण में अंतर देखते चलिएगा, विसरण में तो कोई भी पदार्थ चाहे विलेय हो विलायक हो कोई चक्कर नहीं, पूरा का पूरा पदार्थ ही, पूरा का पूरा विलयन ही गमन कर सकता है। लेकिन यहां पर कौन गमन करेगा? विलायक। यहां पर कौन गमन करेगा? विलायक गमन करेंगे। तो किसी विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए गमन करना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसके द्वारा गमन करेंगे? वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए गमन करेंगे, तब उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रासरण या ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो एक अंतर तो क्या हो गया विसरण प्रासरण में, कि यहां पर गमन केवल किसका होगा? विलायक का। और दूसरा अंतर क्या है? यहां पर एक भाग से दूसरे भाग में जब वो विलायक जा रहा है तो किसके माध्यम से गुजरेगा, किसके अंदर से होकर गुजरेगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरेगा। ये दो अंतर बेसिक अंतर हैं, मोटे अंतर हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लो, किसी विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन करना प्रासरण कहलाता है। ठीक है, अब प्रासरण की क्रिया को यदि अपने थिसिल की प्रयोग के द्वारा देखें तो वो किस प्रकार से होगा? थिसिल की होती क्या है सबसे पहले ये देख लो, एक बेसिक सी संरचना। थिसिल की में ऊपर ये नलिका है, ये नलिका आ गई, नीचे से ये फूली होती है इस प्रकार से, नीचे से इस प्रकार से ये फूली हुई स्ट्रक्चर है, ये है थिसिल की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थिसिल कीप के ऊपर, थिसिल कीप के मुख के ऊपर की ओर यहां पर एक पर्चमेंट पेपर बांध देंगे। पर्चमेंट पेपर यहां पर अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करेगा। ये बांध दिया हमने यहां पर पर्चमेंट पेपर बांध दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, शर्करा का गाढ़ा घोल भर देंगे, या इसके अंदर हम क्या भर देंगे, इस स्थान तक मान लो, इस पॉइंट तक हमने इसको ए बिंदु मान लेते हैं,
ए बिंदु तक हमने क्या किया, शर्करा का गाढ़ा घोल भर दिया। अब गाढ़ा घोल भर के इस पूरी थिसिल कीप को किसके अंदर रख देंगे, जल से भरे बीकर में स्थापित कर देंगे इस प्रकार से। यानी इस बीकर में यहां पर क्या है, जल है, यहां पर क्या है, शर्करा का गाढ़ा भी है। ठीक है, आपको पता है विलायक कौन होता है, जल। विलायक के रूप में आप हमेशा ही किसको मानोगे, जल को मानोगे। तो विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या होता है, प्राशन, और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए। यहां पर देखो विलायक की उच्च सांद्रता, विलायक की सांद्रता देखनी अपने को, यहां पर विलायक की सांद्रता कहां पर उच्च है, इस पात्र में, इस पात्र में विलायक की सांद्रता उच्च है। अब ये निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा, निम्न सांद्रता कहां पर है, इस थिसिल कीप के भीतर, क्योंकि थिसिल कीप के भीतर शर्करा का गाढ़ा घोल भरा हुआ है। गाढ़े घोल का मतलब जल की मात्रा कम है और शुगर की मात्रा उसमें क्या है, ज्यादा है। तो जल क्या करेगा, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा, और वो भी किसको पार करते हुए, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए। अर्धपारगम्य झिल्ली यहां पर कौन है, पार्चमेंट पेपर, पार करेगा। तो इस क्रिया को अपने क्या बोलेंगे, प्राशन बोलेंगे। तो प्राशन के द्वारा जल कहां जा रहा है, थिसिल कीप के भीतर जा रहा है। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहां पर एक चित्र और बनेगा, यह पहले का चित्र है। कुछ समय पश्चात क्या होगा, थिसिल कीप में, यह मान लो क्या है, थिसिल कीप है, इसमें यह पार्चमेंट पेपर बंधा हुआ है, थोड़ा सा ढंग से ही बना लेते ना। ठीक, ये यहां पर क्या बांध दिया, पार्चमेंट पेपर बांध दिया। अब हमने जल कहां तक भरा था, सॉरी शर्करा का गाढ़ा विलयन कहां तक भरा था, ए पॉइंट तक भरा था। ये बाहर इसके क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो आप कुछ समय पश्चात क्या देखोगे, हमें पता है यहां पर क्या हो रहा है, जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्राशन कर रहा है, प्राशन की घटना हो रही है। तो इसके द्वारा क्या होगा, कुछ समय पश्चात इस कीप में जो विलयन का स्तर है वो ऊंचा उठ जाएगा। अब विलयन का स्तर क्यों ऊंचा उठा, क्यों, क्योंकि जल बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट हुआ है। तो ये है थिसिल की प्रयोग। थिसिल की प्रयोग आ जाए तो सबसे पहले बता दो कि हमने किस किस प्रकार की व्यवस्था की, फिर बता दो प्रेक्षण, प्रेक्षण में क्या हुआ, जल का स्तर जो है, सॉरी विलयन का स्तर जो है वो थिसिल कीप में पहले की अपेक्षा ऊंचा उठ गया। ये क्यों ऊंचा उठा, इसके पीछे कारण क्या है, कारण है जल का अपनी उच्च सांद्रता जो कि बीकर में है से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर यानी कीप में भरे हुए गाढ़े विलयन की ओर, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी पार्चमेंट पेपर को पार करके ये भीतर की ओर गया है। ठीक है, तो चूंकि यहां पर प्राशन की क्रिया हुई है इसलिए ये जल का स्तर ऊंचा उठा, और हम जानते हैं कि कौन सा प्राशन हुआ है, अंतः प्राशन। तो प्राशन की परिभाषा होगी, जल की विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए गमन करना क्या कहलाता है, प्राशन कहलाता है। और उसका एक प्रयोग के द्वारा हमने प्रदर्शन भी कर दिया। अब यदि अपने प्राशन के प्रकार देखें, तो प्राशन की क्रिया दो प्रकार की हो सकती है। प्राशन कितने टाइप का हो सकता है, दो प्रकार का। प्राशन के हम देख रहे हैं प्रकार, तो कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, नंबर एक अंतः प्राशन, और दूसरा होता है बही प्राशन। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब अंतः प्राशन और बही प्राशन को समझने के लिए अपने को एक चीज समझनी होगी, अलपराशी
और अति परासंगी। यदि आपको कोई कह दे कि ये विलयन अल्प परासरी है, तो अल्प परासरी होने का मतलब वो विलयन कैसा है? तनु। अल्प परासरी होने का मतलब आप हमेशा क्या मानोगे? तनु। तनु का मतलब होता है पतला। और कोई विलयन पतला कब होगा? जब उस विलयन में विलेय कम हो, यानी गुदे वाला पदार्थ, जो पदार्थ गुड़ा गया वो कम हो, और विलायक यानी जल की मात्रा ज्यादा हो, तभी वो क्या होगा? तनु होगा। यानी अलग परासरी कहने का मतलब जल की सांद्रता इसमें उच्च है। इसके विपरीत अति परासरी, अति परासरी का मतलब आप लोगे सांद्र विलयन से। कोई विलयन सांद्र यानी गाढ़ा, गाढ़ा तभी होगा जब उसमें जल कम हो और घोड़ा गया पदार्थ ज्यादा हो। तो आप ध्यान रखोगे अति परासरी का मतलब है सांद्र। ठीक है, ये दो शब्द बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इन्हीं दोनों शब्दों से सब कुछ हल हो जाएगा। परीक्षा में आपको अलग परासरी और अति परासरी नाम ही दिया आएंगे, तनु और सांद्र नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखोगे अलग का मतलब है तनु और अति परासरी का मतलब है सांद्र। हम देख लें अंतःप्राश्रण। अंतःप्राश्रण का मतलब है विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए माध्यम में प्रवेश करना या किसी कोशिका के भीतर प्रवेश करना। भीतर प्रवेश करना क्या कहलाएगा? कोशिका के भीतर प्रवेश यदि हो रहा है तो उसे कहेंगे अंतःप्राश्रण। और यदि जल अपनी सांद्रता के अनुसार गमन करते हुए कोशिका से बाहर निकल जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? बहिःप्राश्रण बोलते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी कोशिका को, यदि हम किसी कोशिका को, ये रही कोशिका, अलग परासरी विलयन में रख दें, यदि हम किसी कोशिका को किस में रख दें? अलग परासरी विलयन में रख दें। परीक्षा में ऐसी कंडीशन बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताइए क्या होगा जब किसी कोशिका को अलग परासरी विलयन में रखेंगे। तो आप देखो बाहर अलग परासरी बता दिया आपको, अलग परासरी बता दिया मतलब यहां बाहर की ओर जल की सांद्रता क्या है? उच्च। तो जाहिर सी बात है कोशिका के भीतर जल की सांद्रता क्या होगी? निम्न। तो जल कहां से कहां जाएगा? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए जाएगा। और कोशिका झिल्ली यहां पर अर्धपारगमी झिल्ली के रूप में कार्य करेगी। तो जल यहां पर अपनी सांद्रता के अनुसार गमन करते हुए बाहर पात्र से कोशिका के भीतर प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतःप्राश्रण। अंतःप्राश्रण के यदि आप एग्जाम्पल देखो तो आपने चने और किशमिश को जल में भिगोया होगा। तो चने और किशमिश का जल में भिगोने से उनका फूल जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अंतःप्राश्रण का उदाहरण है। ध्यान रखोगे चने और किशमिश को जल में डुबोकर रखने पर वो फूल जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? अंतःप्राश्रण। इसके विपरीत देखा जाए बहिःप्राश्रण। ये कोई पात्र है, इसमें कोशिका रखी, आपको कह दिया जाए यदि किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखें, बाहर का विलयन कैसा है? अति परासरी। अति परासरी का मतलब गाढ़ा विलयन हो गया, गाढ़े का मतलब उसमें जल क्या होगा? कम होगा। तो बाहर वाले विलयन में जल की सांद्रता क्या होगी? कम। और भीतर वाले विलयन में जल की सांद्रता क्या होगी? उच्च। तो जल कहां से कहां जाएगा? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हुए कोशिका से बाहर निकल जाएगा। और चूंकि यहां पर जल बाहर निकल रहा है इसलिए इसको अपने क्या बोलेंगे? बहिःप्राश्रण। बहिःप्राश्रण का यदि एग्जाम्पल दें आपको तो आप कह सकते हो शर्करा के गाढ़े विलयन में अंगूर को रखने पर, शर्करा के गाढ़े विलयन में यदि अंगूर को रख दिया जाए तो वो अंगूर कुछ समय में पिचक जाएगा। और उसके पिचकने के पीछे कारण क्या है? कि उसके भीतर का जल जो है वो बाहर निकल गया, बहिःप्राश्रण की घटना घटित हो गई, इसलिए वो क्या होगा? पिचक जाएगा। तो ये हो गए प्राश्रण के प्रकार। तो प्राश्रण के आपने क्रिया देख ली और प्राश्रण के आपने टाइप देख ली, ठीक है। अब यदि आपको प्राश्रण का महत्व बताया जाए कि प्राश्रण पादप में कहां कहां पर अपना महत्व दर्शाता है तो देख लीजिए।
मूल रोम द्वारा मृदा से जल अवशोषण, मृदा से जल अवशोषण। पहली बात, मूल रोम से, मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण, मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? प्राशन। इसके द्वारा होता है प्राशन। यह हम प्राशन का महत्व देख रहे हैं या दैनिक जीवन में प्राशन के द्वारा होने वाली, पादप में प्राशन के द्वारा होने वाली कुछ घटनाओं की चर्चा यहां पर हम कर रहे हैं। दूसरा, पादप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का गमन, एक सेल से दूसरी सेल में गमन, पादप की एक कोशिका में जो जल है, जिसमें ज्यादा है उससे कम की ओर जल जाना। मान लो दो कोशिकाएं पास पास रखी हैं, एक कोशिका में जल ज्यादा है, दूसरी कोशिका में जल कम है, तो जल कहां से कहां जाएगा? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो ये किस क्रिया के द्वारा जाएगा? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, प्राशन की क्रिया के माध्यम से। तीसरी बात की चर्चा यदि यहां पर की जाए, कोशिका का सफेद अवस्था में रहना, सफेद का मतलब है फूली हुई। कोई कोशिका सफेद अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है, और इस प्रयास में इसको सफलता कब मिलती है, किस क्रिया के माध्यम से मिलती है? प्राशन की क्रिया के माध्यम से इसको वो सफलता मिलती है। इसके अलावा शुष्कता का प्रतिरोध, कोई कोशिका शुष्कता का प्रतिरोध प्राशन की क्रिया के माध्यम से ही करती है। जब तक प्राशन की क्रिया होती रहेगी तब तक कोशिका में न शुष्कता आएगी और न कोशिकाओं में जमाव आएगा। आप देख सकते हो कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर पेड़ पौधे हैं उनकी कोशिकाओं में भी जल होता है, लेकिन वो जल जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचता, वरना तो उनके पादप मर्त हो जाते हो। भी बाहर बर्फ जमी हुई है, वहां पर कोई पेड़ जीवित है, तो उसका मतलब इतनी बात का तो अपने को अंदाजा लगना चाहिए कि उनकी कोशिकाओं के भीतर जो जल है वो जम नहीं रहा। क्यों नहीं जम रहा? किस क्रिया के माध्यम से नहीं जम रहा? प्राशन की क्रिया के माध्यम से। ठीक है, तो ये कुछ महत्व है प्राशन के। मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण, एक सेल से दूसरी सेल में जल का गमन, सभी अवस्था में बनी रहना, सुस्त अवस्था में बने रहना, सुस्तता का प्रतिरोध करना, ये सब घटनाएं जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं? प्राशन की वजह से होती है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम देख रहे हैं कोशिका की पारगम्यता। ठीक है, कोशिकाएं किस प्रकार से पारगम्य होती हैं, कितने टाइप की पारगम्यता हो सकती है। अब हम किस क्रिया को देखने जा रहे हैं? पारगम्यता। तो पारगम्यता की परिभाषा क्या बनेगी? क्या होती है पारगम्यता? किसी पदार्थ का झिल्ली के आर पार गमन करना पारगम्यता कहलाता है, और इस पारगम्यता के आधार पर हम कोशिका झिल्ली को चार टाइप में बांट सकते हैं। कोई भी झिल्ली जो है वो पारगम्यता के आधार पर कितने टाइप की हो सकती है? चार प्रकार की हो सकती है। पारगम्यता का मतलब तो समझ गए ना, किसी झिल्ली से पदार्थ का आर पार होना, अंदर आना बाहर जाना, ये क्या कहलाता है? पारगम्यता। और इस पारगम्यता के गुण के आधार पर कि किस प्रकार की पारगम्यता है, या आप ऐसे कह दो कि पारगम्यता चार टाइप की हो सकती है, या आप ऐसे कह दो कि पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां चार प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम देखें पारगम्य झिल्ली। इसमें क्या होता है? विलायक और विलेय दोनों के कण आ जा सकते हैं। यदि किसी झिल्ली से विलायक और विलेय दोनों के कण आ जा सकें, तो उस क्रिया, उस गुण को हम क्या कहते हैं, उस झिल्ली को हम क्या कहेंगे? पारगम्य झिल्ली। यानी इसमें से विलायक भी जा सकता है, वह विलेय भी आ जा
सकता है। इन दोनों के लिए कोई रुकावट नहीं है, विलय आओ चाहे जाओ, विलायक आओ चाहे जाओ, कोई मतलब नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम, या ऐसी जो भी लेयर है, ऐसा जो भी आवरण है, उसको हम क्या कहेंगे? पारगम्य कहेंगे। जैसे पादपों में सैलवाल जो है, यदि एग्जांपल आप देखो किसका, पारगम्य आवरण का, तो पारगम्य आवरण कौन है? सैलवाल, यानी कोशिका भित्ति जो है ये कैसी होती है? पारगम्य। आप जानते हो कोशिका भित्ति मृत प्रकृति की होती है। अब ये यदि कोई मरा हुआ है तो उसके भले कोई आओ कोई जाओ क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? तो एग्जांपल ध्यान रखना, पारगम्य आवरण का या झिल्ली का, कोशिका भित्ति। दूसरा हम देख रहे हैं चयनात्मक, चयनात्मक कह दो चाहे वर्णात्मक कह दो, वो तो आप समझते ही हो। चयनात्मक झिल्ली, ऐसे झिल्ली जो चयन करके पदार्थों को आने जाने देती है। सामान्य तौर पर विलायक इसमें से आ जा सकते हैं, विलायक के लिए तो ये फुल है, आओ चाहे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आने जाने देती है विलायक को तो। लेकिन विलय के लिए कम पारगम्य है, विलय के लिए क्या है? कम। विलायक को तो पूरी छूट है, आओ चाहे जाओ, लेकिन विलय को ये सोच समझकर आने जाने देती है, चयन करके आने जाने देती है, अर्थात कम पारगम्य है विलय के लिए। तो यदि कोई झिल्ली विलायक के लिए पूर्ण पारगम्य हो और विलय के लिए कम पारगम्य हो, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? चयनात्मक झिल्ली बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर यदि एग्जाम्पल देखे जाए तो टोनोप्लास्ट व प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली, जिसको आप बोल सकते हो पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट को आप जानते हो रिक्तिका के चारों ओर जो झिल्ली है उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये दोनों जो होती है वो कैसी होती है? चयनात्मक झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली होती है। तीसरा यदि अपने देखें तो तीसरी है अर्ध पारगम्य, तीसरी कौन है? अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य क्या होती है? जो विलायक के लिए पूर्ण पारगम्य है, विलायक की पूरी छूट है लेकिन विलय बिल्कुल नहीं आ जा सकते, विलय के लिए रास्ते बंद है। तो ऐसी झिल्ली या ऐसा आवरण जिसमें से विलायक तो आ जा सकते हैं लेकिन विलय आ जा नहीं सकते, विलय के लिए वो अपारगम्य होती है। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य। अर्ध का मतलब विलायक आ जा सकते हैं लेकिन विलय नहीं, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य। एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था ये चयनात्मक है और अभी हम कह रहे हैं अर्ध पारगम्य, तो ये दोनों होती है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, ये झिल्ली चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो यदि कहीं पर ऑप्शन में आपको चुनना पड़ जाए कि कोशिका झिल्ली की विशेषता है, वहां पर दो ऑप्शन हो चयनात्मक, दूसरा ऑप्शन हो अर्ध पारगम्य, तो आपको दोनों छांट लेने हैं, चयनात्मक भी होती है और अर्ध पारगम्य भी होती है। इसलिए ध्यान रखोगे कोशिका झिल्ली का गुण कैसा है, चयनात्मक अर्ध पारगम्य, आवश्यकता अनुसार वो कभी तो चयनात्मक हो जाती है और कभी वो अर्ध पारगम्य हो जाती है, और कोशिका भित्ति जो है वो पारगम्य है, कोई आओ कोई जाओ कोई फर्क नहीं। चौथे प्रकार की यदि पारगम्यता देखी जाए तो वो होगी अपारगम्य। अभी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था एक नंबर में कि अपारगम्य आवरण के उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। तो अपारगम्य झिल्ली यदि देखी जाए, अपारगम्य का मतलब न तो विलायक और न विलय, किसी की छूटने कोई आ जा नहीं सकता, कोई पार नहीं कर सकता, ना तो विलायक और न ही विलय, दोनों पर रोक है। तो ना ही विलायक इसको पार कर सकते हैं और न ही विलय इसको पार कर सकते हैं, तो ऐसी झिल्ली या ऐसे आवरण को हम क्या कहेंगे? अपारगम्य कहेंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आ भी चुके हैं परीक्षा में, जाहिर सी बात है। एक तो एग्जाम्पल है क्यूटिकल,
क्यूटिकल, आपने पढ़ा होगा मरुस्थलीय पादपों के कोशिका एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है जो जल के लिए अपारगम्य होता है। जल के लिए अपारगम्य मतलब जल तो विलायक है, उसको तो कोई नहीं रोकता था ऊपर, लेकिन ये रोक रही है ना, तो जिसने विलायक को ही रोक दिया समझ लो उससे विलय भी आ जा नहीं सकता। तो विलायक को नहीं आने जाने दे रही तो विलय की क्या औकात है, दोनों को नहीं आने देगी, तो क्यूटिकल कैसी होगी, जो एक मोम जैसा आवरण है क्यूटिकल है वो कैसी होगी, अपारगम्य। और दूसरा पता है आपको, याद कीजिए सुबेरीन, सुबेरीन युक्त कॉर्क सेल जो थी, कॉर्क आवरण जो है, कॉर्क आवरण, तो कॉर्टेक्स क्षेत्र में जो सुबेरीन है, इसके अलावा जो एंडोडर्मिस आप पढ़ते हो, एंडोडर्मिस में भी सुबेरीन का आवरण पाया जाता है, तो यहां पर कॉर्क आवरण लिख दो या सुबेरीन आवरण जो है। कॉर्क तो कॉर्क सेल में पाया जाता है, और कॉर्क सेल में किसका जमा होता है, सुबेरीन का, तो सुबेरीन आवरण बोल दो या कॉर्क आवरण बोल दो, ये कैसा होता है, अपारगम्य होता है। तो इस आज के लिए इतना ही, यहां तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, विसरण और प्रासरण तथा पारगम्यता, विसरण पढ़ लिया अपन ने, प्रासरण पढ़ लिया और पारगम्यता पढ़ ली। इसके बाद आगे के टॉपिक अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।